ईद मुबारक गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से, इनफैक्ट पूरी इब्राहिम फैमिली की तरफ से ईद बहुत 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 मुबारक। यस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये आज से यहाँ से ईद का ब्लॉग शुरू होता है। अभी बस आपने चादर का ब्लॉग दिखा हुआ कि रात भर हम जागे हैं और अभी सुबह खाना वगैरह सबको किट्स वगैरह बांट के घर आया, अभी सोया नहीं हूँ। फिर नमाज अदा की, न्याज दिया और उसके बाद अभी हम जाएंगे नीचे अम्मी से मिलने। उसके बाद वहाँ से आके मिलने के बाद फिर मैं थोड़ी देर की सुकून की मैं नींद लूँगा। तो बस अभी चलते हैं अम्मी लोगों से मिलने, सलाम करते हैं उनको, ईद मुबारकबाद देते हैं। चलिए, ईद मुबारक। पापा ईद मुबारक। रिजा वो बेचारी जो पानी भी लगती है तो कोई ना कोई सुना देता है, सोई नहीं है ना वो भी। तुम्हारी भी ध्यान का है, सो रहा है, सो रहा है। बाद में आप ही देना, क्या है ना? दिखाओ पैर, दिखाओ पैर, दिखाओ, ये देखो सब आगे पैर ऊपर कर। कल रात में सवा बेसिकली अपनी बालकनी डेकोरेट कर रही थी तो ये उसी का पूरा पैर का जो है निशान अभी सुबह लगाई है मैंने, इसलिए क्योंकि गीली है। ये देखो इसने क्या किया, अरे वाह, ये देखो दिप्पी, अरे वाह, इधर लगा दो। हां, ये पल्लू से छुपा लेंगे, क्या दिख रहा है? ओहो दीदी, हाँ, तुम्हारी कितनी है? 2000। हाँ, 2000। अम्मी ये क्या बात हुई, मेरे 1500 क्यों? ये क्या बात हुई अम्मी, क्यों? मेरे तो दी भी नहीं है लेकिन तुम्हारे उसकी तुम्हारी बराबरी नहीं है। ये क्या बात है यार, ये क्या? तुम उससे हमेशा नीचे रहोगे। अम्मी ने पिछली बार भी बोला था कि ईदी भी हम शानू को कम देते हैं और मुझे ज्यादा देते हैं, पिछली बार बोला था अम्मी ने, आप भूल गए। गलत बात अम्मी, मैंने कल आपको 3 किलो गोश्त ला के दिया है अम्मी, गलत बात। इसीलिए तो 1500 दी, वरना 1000 देती। हमने 2 किलो मंगाया था, आप ही लाए 3 किलो, बहुत अच्छी बात है, आपको और ज्यादा खाने को मिलेगा। बिल्कुल, आप खाओगे। पापा देख रहे हो? सुन रहा हूँ सब, मैं देख रहा हूँ। तो अम्मी से मिल लिया है, सबको मुबारकबाद दे, सबको ईद की मुबारकबाद दे दी है। अभी मैं कुछ देर आराम करूंगा, रात भर सोया नहीं हूँ, उसके बाद फिर उठ के फिर नीचे जाएंगे लंच के लिए और फिर देखते हैं फिर शाम को फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, दिन कैसे गुजरेगा। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। और जैसे ही मैं सोने गया तो उसके बाद फ़ौरन से आ गए दीपिका के डैड यानी मेरे ससुर जी। तो उसके बाद भी मैं नहीं सो पाया, हम बैठ के गपशप कर रहे थे। मुबारक पापा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, सब ठीक है। कितना भी कोई बड़ा हो जाए, कितना भी कोई कुछ है, बड़ों से जब ईदी मिलती है ना छोटे को, इसकी अलग ही खुशी होती है। जब वो ना नसीब ही हमारे अच्छे होते हैं। बैठिए बैठिए, ये हम अपने बच्चों को ईदी दे पा रहे हैं, है ना? क्यों दीपिका, ऐसे वही खिलाओ ना पापा, ऊपर चाय पीनी। अच्छा ठीक है, मैं वो बनाऊं, आ रही है आपकी, तो मैंने बना के रखी है, आप पीजिए, आप पीजिए, आप पी लो, मेरी बन जाएगी अभी, आप पीजिए। तो मैं कुछ देर के लिए सो गया था और अभी मैं उठ गया हूँ और अभी मैं उठा हूँ। तो देखो आज ये सारी अरेंजमेंट है यहाँ पे स्पेशली ईद के लिए, क्योंकि अभी तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। ऐसे जब मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे भी लॉकडाउन ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, थोड़ा कलरफुल लगे। ये हैं यहाँ पे कुछ कैंडल्स आ गई हैं। डाइनिंग में ये खूबसूरत सा ये है जैसे कि आपको पता है कि दीपिका का जो फ़ोन है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है, बातचीत में नहीं, सिर्फ जहाँ वीडियो शूट करते हैं तो वहाँ पे आवाज़ साउंड का थोड़ा सा इशू होता है। तो मैंने ना झंझट ही ख़त्म कर दिया, मैंने कहा अभी तुम बार बार फ़ोन ख़राब करोगी, शूट करोगी, मुझे चाहिए ही नहीं है। तो मैंने उसके लिए एक कैमरा ऑर्डर कर दिया है। अब वो भी कैमरे से व्लॉगिंग करेंगी। व्लॉगिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना, तो व्लॉगिंग अब परफेक्ट होगी। ये रहा उनका कैमरा। सॉरी मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी उठा हूँ। ये क्या बन रहा है? अब ये शाम के लिए ज्यादा शीत करना। और देखो इन जनाब को कैसे सो रही है, मस्त सोफे के ऊपर टेका लगा के। हाँ सो जा नवाब, सो जा। अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी के पास, कुछ खाने। बज रहा है 4, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है और अब कुछ खाऊंगा। रेहान ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सो रहा तू? सो रहा था जो तुम्हारी ईदी। थैंक यू। ऐसा होता है कि जब भी ईद होती है तो लंच जो है वो हम नीचे करते हैं और फिर डिनर सबका ऊपर होता है। और दीपिका ने आज ऊपर ही अभी लंच मंगा लिया क्योंकि वहाँ पे ऊपर वो प्रिपरेशन कर रही है तो जल्दी हो जाए तो इसलिए ऊपर ही खा लेगी। और मैं अभी नीचे करने आया हूँ। अम्मी, तो ये आज अम्मी का स्पेशल मटन खा लिया तूने? और नहीं खाना? आप खा लो। और मटन बनाए? खा लिया। शूट तो अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ, तुम्हारा दिया हुआ था बट देखा अच्छा लग रहा है। अच्छा बनाया मटन, बहुत अच्छा बना। बहुत अच्छा बनाया, नहीं पर अच्छा टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा। और ऐसे लंबी लंबी झालर है तो उसको या तो हम कर्टन की तरह ऐसे कर देंगे या क्या करेंगे देखते हैं। हमारे रेहान जनाब ऊपर चढ़ के लाइट्स को खोलते हुए। बस बेटा तुम बताया नीचे साथ में ध्यान रखना। ये रिदा बहुत शिद्दत के साथ काम में लगी हुई है बिल्कुल। हाँ। ये रेहान कहाँ छुपा है? रेहान ऑल ओके? ऊपर का तापमान सही है? क्या कितना सोया हूँ मैं? क्या कितना सोया हूँ? 12:30 बजे सोया हूँ मैं। ट्विंकल हाय मुबारक। लेट्स रॉक। लाया आपके मिठाई और चॉकलेट। ओह ये मिठाई और चॉकलेट्स देखो, फॉर्मेलिटी देखो इनकी। मिठाई और चॉकलेट्स लेके आए हैं, सही है, थैंक यू। और ये भी आज यहाँ पे आई हुई हैं। इनको तो आप इनके साथ देखते रहते होंगे इनके चैनल पे, अंकित आजाद यूट्यूब चैनल। सो ये बन रहा है चिकन कोरमा और ये रबड़ी। आज जलेबी मैंने बाहर से मंगवाई है, शीर कोरमा मेरा बन गया है, बस वही एक चीज़ है जो बनी है। और दही बड़े के बड़े फ्राई हो गए हैं। और इतना ज़्यादा मैं टाइट अप रही हूँ कि मैंने अपना व्लॉग शूट नहीं किया है, तो आप आज प्लीज़ यही देख। बिरयानी की प्रिपरेशन, ये अच्छा भाई मसाला, ये बिरयानी का मसाला, ये कोरमा, ये रबड़ी, ये बॉइल्ड चिकन, ये बड़े, ये प्याज तली हुई। वाह क्या बात है, तभी तो तुम्हारी तारीफ करते हैं इतनी। सुपर। मैं नहीं करता क्या? नहीं काफी देर। देखो मेरे मुंह पे नहीं करते, करो ना। मैं मुंह पे नहीं। अच्छा मैं सब जेन्युइनली पूछूं, आपको कैसा फील होता है किचन में इतनी सारी चीजें बनती हैं, मैं बनाती हूँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत 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 ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। तारीफ करने बोलो ना, एक वर्ड बोल के निकल लेते, बहुत ज्यादा। और यहाँ मैं अंकित और ट्विंकल के थोड़े से मजे लेते हुए आग लगा के घी डालने वाली चीज करते हुए। तू पोट्रे ऐसे करता है? नहीं जो देखो जो बात है वो है, जो अंकित बोलता है ना वैसा मैं बस वही बता रहा हूँ। नहीं बोलता वो, ये यहाँ नहीं बोलता बल्कि अपने ब्लॉग में ऐसे पोट्रे करता है। मुझे ऐसे विलेन जैसी परफेक्ट नहीं लगती। सारे कमेंट्स पढ़ते हो आपसे? चुप कर, कमेंट पे अगर तू ध्यान दे तो करती ना। हां कमेंट्स को बहुत थोड़ी सी ले लेते बेचारा, कितना खुश हो गया। मैंने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, मैंने बोला तू अच्छे कमेंट्स भी देखो, अच्छे भी आते हैं बहुत। सही बात है, सही बात है भाई। ये मैडम अब रेडी हो रही हैं। तो अब हो चुकी है शाम, अब आएंगे सारे फ्रेंड्स और अम्मी पापा नीचे से ऊपर। मैं हो गया हूँ रेडी। ये है मेरा आज का कॉस्ट्यूम और बस अब हम सब साथ बैठ के, जैसे हमेशा करते हैं, कुछ बैठ के साथ बैठ के गपशप करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। और अभी मैडम जो है वो रेडी हो रही है, अम्मी लोग भी अभी नीचे से आने वाली है, तो बस उनका वेट करते हैं। तब तक मेरा कुछ फोटोशूट चल रहा था, और फोटो देखनी हो तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी हमेशा मैं आपको डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज भी डाल दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब अपना दिल जिगर सब थाम के बैठिए, क्योंकि अब तैयार होके आने वाली है मेरे दिल की मलिका, यानी कि हमारी मैडम। आइए आइए आइए। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है ये, मैं भी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा हूँ। बोल सकती है तुम? मन नहीं है। हाँ मन नहीं है, ठीक है इधर आ जाओ, मेरा ब्लॉग है, इधर जाओ जाओ। अरे भाई काम के चक्कर में हम ब्लॉग नहीं शूट कर पाए, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। बस अभी कुछ फोटो शूट है, अभी हम कुछ फोटो शूट करेंगे। और ये वाली फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, माशाल्लाह आप सब लोगों ने बहुत पसंद की। नहीं देखी है तो जाइए देखिए। फेशियल कराने गए थे। फेशियल देखो, शक्ल देखो, शक्ल देखो भाई, फेस वॉश करके आया था। ये देखो लड़के जो कुर्ता तो बड़ा मस्त लग रहा है, बड़ा मस्त लग रहा है कुर्ता। चलो सबको ईद मुबारक बोलो। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। खुश रहिए प्यार बाकी, खुश रहिए प्यार बाकी। चलो ये जो उस दिन सबको बहुत पसंद आए थे रशियन कटलेट, वही बनाए हैं। बस आज मैं दोनों तरीके से बना रही हूँ, थोड़ी सेवड़ियों में डिप करके और थोड़ी मैंने ब्रेड क्रम्स में डिप करके बनाए। भाभी ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन भी आप क्या अच्छे लगे, तुम्हारे दिन वाले से हमारे लिए मिलता है ना। और ये हमने अपना फोटो शूट करवाते हुए। अभी कुछ देर हम इसको उतार देते हैं, थोड़ा खाना वाना खाए, सर्व अप करें, उसके बाद फिर पहनते हैं। हम दिखा रहे हैं अपना सूट के, देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो कह रही है बहुत अच्छा लग रहा है। वही सारी तैयारी सब हो गया, बस दही वड़े लेके आ रही। थक गई होगी ना? नहीं आज ज्यादा नहीं किया, हाँ आज बस दही वड़े है और एक वो ये कटलेट है और बिरयानी और चिकन बस। अभी लेकिन बहुत मेहनत करती है। मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ता, सब कुछ वही बना देती है। हमारे यहाँ हर ईद पे फिक्स्ड होता है, सुबह का अम्मी बनाती हैं और शाम का मैं, तो सुबह की मुझे टेंशन नहीं होती, हम लोग नीचे जाके खाते हैं। कैसा बना दही बड़ा? हमेशा की तरह बहुत अच्छा। अम्मी अम्मी इतना बिजी हो, तो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। पापा कैसा दही बड़ा? अच्छे हाँ जी। डिस्टर्ब मत करो खाने दो, डिस्टर्ब मत करो खाने दो। हाँ जी मस्त है। रेहान जी कैसा है? बहुत अच्छा है भाई, नोटिस किया जब से रिहान के बाल बड़े से रिहान को दिया था नोटिस मचला ऐसे वो तो बाली हो जाता है। और यहाँ पे हमेशा की तरह मैं अपना काम करते हुए बिरयानी के चावल और मसाले को मिक्स करते हुए। ये है रबड़ी जो बनाई है दीपी ने। आज तो खाना बनता है भाई, बिल्कुल बनता है। तो देखिए आज मैंने व्लॉग तो नहीं बताया, आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं आज किचन में बहुत ज्यादा बिजी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, ऐसे कुछ तो मुझे शूट करना चाहिए ना, तो मैंने सोचा चलो शोएब के ब्लॉग में ही सही। तो अभी मैं सब लोग खाना खा चुके हैं और मैं अम्मी से पूछने जा रही हूँ कि उन्हें खाना कैसा लगा। अम्मी कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा खाना 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 बहुत अच्छा, हर चीज अच्छी बनी है, बिरयानी और जो कटलेट जो भी कोरमा सब बनाया, सब बहुत अच्छा बना। फिर तो हमेशा कोई तुम्हें पा ही नहीं सकता खाने में, किसी की जोड़ी नहीं है। वैसे वो हर बार वाली चीजें ही बनाई मैंने, दही हाँ। बड़ा, क्योंकि वो हम सबकी फेवरेट है हाँ। तो अभी कहीं ना कहीं हम सबका एक वो बन चुका है कि ईद है तो ये चीजें तो होनी चाहिए, होना चाहिए। बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और सुबह अम्मी ने मटन बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बना। अरे हम 2-3 बार रिटेक कर चुके हैं, कोई बात नहीं। इन लोग को फोटो चाहिए, इनको फोटो दे दो, चलो उसके बाद जाके चेंज करो, खत्म करो। पापा बताओ कैसे करते हैं, बताओ। हरी पापा चलो उठो। अरे तो आप जाओ, अरे उठो, वो तो बैठा है, वो बैठा है, आप आ जाओ। बताइएगा आप लोग, आज पहली बार आपने शायद में कुर्ते में देखा होगा ऐसे ना, बड़ा अच्छा कैसा, बताइएगा कैसे लग रहा है कुर्ते में। चलो तो ये मैडम यहाँ चेंज इन करके मस्त आराम से, देखो ये होता है जल्दबाजी करने के लिए। पहला निवाला आज ईद है, मैं खिलाने आ रहा था, ये मैडम ने खुद ही खा लिया है। तो अभी कैंसिल, अभी कैंसिल, अभी कैंसिल। अब ये सोचो मैंने नहीं खाया, इसका खिला दो। क्या है ये? दही बड़ा। अच्छा बना है। तो अभी खाना वगैरह हो गया है, अम्मी लोग का अच्छे से सबने खा लिया है, इन लोगों ने भी खा लिया है। मैंने थोड़ा सा खाया है, थोड़ा नहीं खाया है, मीठा मीठा खाया है, तो क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं लगी, कल से नींद नहीं हुई ना, तो इसलिए मन नहीं कर रहा खाने का। तो बस अम्मी की बहुत ख्वाहिश है, अम्मी मुझे जब से वो आई है तब से बोल रही हूँ, अरे तुम इस बार पूरी सब लोग का वो नहीं ले रहे, ईद मुबारक, सब लोग का ईद मुबारक नहीं ले रहे, ऐसे करने वाले। तो अम्मी की फरमाइश पे यहाँ पे जाता हूँ मैं, सब आ रहे। तो स्पेशली अम्मी की फरमाइश पे इब्राहिम फैमिली की तरफ से, हम सब की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक, मुबारक। तो ये था आज का वीडियो ईद का। एज सबको पता है कि ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, देखो एज यूजुअल आप सबको पता है ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है। तो बस आसपास के जो घर के आसपास रहते हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो एक फैमिली की तरह हैं, बस वो लोग साथ में शरीक थे और हम लोग ने ईद की खुशियाँ मनाई हैं। तो अब बस तो ऐसी आदत हो गई है कि अगर वो लोग ईद पे ना हो तो हमें ऐसे लगेगा शायद हमारी फैमिली पूरी नहीं है, बिल्कुल। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, दो पल की खुशी मिली हो, तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नए हैं। और फिर मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिएगा, प्यार बांटिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ और, आप कल ये जा रही हैं और इस बार लंबे टाइम के लिए जा रही हैं, पता नहीं, मुंह से नहीं बोलूंगी, पता नहीं कितने दिन, क्योंकि हाँ। अब आना जाना नहीं होगा, बस दुआ कीजिएगा कि जल्दी से सारी शूट्स जो हैं वो मुंबई शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि कमिटमेंट है। और अब बहुत मेजर चंक, मेजर ड्रामा शुरू होने वाला है, तो आप लोगों को देखने में भी मजा आएगा, तो इसीलिए अब मुझे वहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है एक बार लंबा रुक जाओ, क्योंकि बार बार आना जाना ट्रैवल में वो ज़्यादा रिस्की है। लेकिन मैं अब 10-15 दिन, पता नहीं कितने दिन होते हैं वो मैं अकेले रहूँगा, पता नहीं कैसे वक्त गुजरेगा। ठीक है ना, वैसे तो पति बन के बड़े कंप्लेन करते रहते हो, हमेशा ऐसे ऐसे मुंह बनाते रहते हो कि परेशान करती है, ये करती है, वो करती है, अब रहो अकेले। वो तो देखो, वो तो हर पति का हक है, लेकिन दिल से नहीं होता, वो सिर्फ मन से ऊपर ही होता है। तो एनीवेज, आप खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए और जो मर्जी है वो करिए, लेकिन अच्छी चीज़, गलत चीज़ नहीं। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, उनको प्यार दीजिए, लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए। और हम सबको पूरी दुनिया को दुआओं में याद रखिए। एक बार फिर से आप सभी को हमारी तरफ से, शोइका की तरफ से, पूरी इब्राहिम फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको ईद मुबारक।